हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, वी आर हैविंग अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच साइड इज इक्वल टू एल। इनके जो वर्टेक्स हैं, इन पर हमारे पास तीन चार्जेस हैं, क्यू वन, क्यू टू एंड क्यू थ्री। ये तीनों चार्जेस सेम हैं, इक्वल टू क्यू, स्मॉल क्यू। अब एक सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। सेंट्रोइड पे हमारे पास एक फोर्थ चार्ज गिवन है, दैट इज कैपिटल क्यू। एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द फोर्स विच विल बी एक्टिंग ऑन दिस क्यू ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। Q1, Q2 एंड Q3 का टोटल इफेक्ट इस Q पर क्या होगा, ये मुझे पता करना है। तो कूलम्स लॉ में कोई भी दो चार्जेस जो थे वो फोर्स क्या लगा रहे थे वो हमने पता किया था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हमको ये मालूम पड़ गया था कि अगर मल्टीपल चार्जेस हों उसमें एक पर्टिकुलर चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा। वो हमने पढ़ा था कि दैट वाज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम एंड द इंडिविजुअल फोर्सेस विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। आइए हम देखते हैं उसके थ्रू हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो साइड ए बी इज ऑलरेडी गिवन एज एल। तो इसके सॉल्व करने के लिए मुझे ए से ओ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि मुझे ये फोर्स फाइंड आउट करना है जो क्यू वन क्यू पर लगाएगा। इसी तरीके से क्यू टू जो कैपिटल क्यू पर लगाएगा उसके लिए बी ओ फाइंड आउट करना है, सी ओ फाइंड आउट करना है। ओके, तो लेट अस एक्सटेंड दिस फर्स्ट। ये जो है इसको मैंने एक्सटेंड किया और यहां ये डी पर मीट कर रहा है। ओके, नाउ जो मैथ्स के बच्चे हैं, मैथमेटिक्स के बच्चे, उनको ये पता है कि एक रूल है कि द सेंट्रोइड इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, बट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो मीडियंस होती हैं वो एल्टीट्यूड्स भी होती हैं। ये बात याद रखनी है। ओके, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? जो 90 डिग्री पे फॉल कर रही हूं। ओके, नाउ ये मीडियम थी तो इसको इक्वली डिवाइड करेगा। इक्वल डिवाइड करेगा तो डी से सी तक की लेंथ हो जाएगी एल अपॉन टू। व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज वी वॉन्ट द लेंथ ऑफ एओ, बी ओ एंड सी ओ ऑल आर सेम। ए ओ कितना होगा क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस आएगी, बी ओ कितना होगा वो इन दोनों के चार्ज की डिस्टेंस बताएगी, एंड सी ओ इन दोनों चार्जेस की। सारे इक्वल है क्योंकि ये एक सेंट्रॉइड है। ओके, तो ये कितना होगा? तो सेंट्रॉइड, जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 में डिवाइड करता है एक मीडियन को। ये प्रॉपर्टी है मीडियन की, 2:1 में एक मीडियन को डिवाइड करता है। ओके, सो मुझे फाइंड आउट क्या करना है? एओ। तो एओ इज एक्चुअली 2/3 ऑफ द मीडियन, 2/3 ऑफ एडी। ऑलराइट, एडी एडी मुझे पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। एक ट्राइंगल ए डी एंड सी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज योर एल स्क्वायर, डी सी स्क्वायर इज योर एल अपॉन टू का होल स्क्वायर। सो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 3L² / 4। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 / 4 का हो जाएगा 2 और एल। तो एडी की लेंथ आ गई हमारे पास में √3/2 L। सो एओ किसके इक्वल हो जाएगा? एओ विल बी इक्वल टू 2/3 × √3/2 L। तो ये 2 से 2 कैंसिल और फाइनली मेरे पास में क्या आ गया? √3/3। √3/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एओ इज इक्वल टू √3/3 को मैं अपॉन √3 से लिख सकता हूं। ऑल राइट, सो एओ की लेंथ आ गई मेरे पास में, एओ इज इक्वल टू एल अपॉन √3।
मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो डायरेक्टली एल अपॉन रूट थ्री यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता है। ये सॉल्व करने का कारण ये था कि काफी बच्चे जिनको ये ना पता चले कि एओ हमने फाइंड आउट कैसे किया, उनके लिए ये मैंने कैलकुलेशंस करी हैं। जिनको ऑलरेडी पता है वो डायरेक्टली मीडियन की लेंथ है रूट थ्री बाई टू, आप फॉर्मूला पुट करके टू बाई थ्री से करके एल अपॉन रूट थ्री ला सकते हैं। ओके एनीवे हमारा पर्पस क्या था, एओ फाइंड आउट हो गया, बीओ फाइंड आउट हो गया, सीओ फाइंड आउट हो गया। अब मुझे फोर्स फाइंड आउट कर लूं ड्यू टू फर्स्ट। ओके तो इसको मैं रब कर देता हूं ताकि थोड़ा हमको जगह मिले, और एल अपॉन रूट थ्री एओ की लेंथ हमारे पास में आ गई है। ठीक है तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है एल अपॉन रूट थ्री। ऑल राइट, सो व्हाट विल बी द फोर्स ड्यू टू क्यू वन ऑन क्यू, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी क्यू वन की जो क्यू पे जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन है ये। इसी तरीके से क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इसको इस डायरेक्शन में करेगा, ये मैं मान लू ये F1 है। इसी तरीके से ये जो सेकेंड चार्ज है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ, ये है मेरा F2, और ये जो थर्ड चार्ज है वो इस तरफ जाएगा, ये मेरा हो गया F3। ओके सबसे पहले मैं F1 फाइंड आउट करता हूं। सो F1, F1 इज इक्वल टू व्हाट, K टाइम्स, लेट अस सपोज कि ये पूरा हमको दिया है इन वैक्यूम, सो K की वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस टू। ओके सो K की जगह पे मैंने यूज किया K नॉट, देन Q1, Q1 की वैल्यू है Q और Q, कैपिटल Q, ओके, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, L अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, सो L अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम A टू, तो उसको मैं ये लिख सकता हूं इंस्टेड ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर डायरेक्शन को बताना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अलोंग विच डायरेक्शन, ए डी, सो अलोंग ए डी, या मैं ऐसे बोलता हूं अलोंग ए ओ, क्योंकि ए डी इज व्हाट, अलोंग ए ओ, तो अलोंग ए ओ। ऑल राइट, इसी तरीके से एफ टू कितना होगा, एफ टू विल बी के नॉट क्यू अपॉन एल अपॉन रूट थ्री होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी अलोंग बी ओ, अलोंग बी ओ। इसी तरीके से एफ थ्री कितना होगा, एफ थ्री will be k naught upon l by root 3 whole square along co, along co, okay, all right। अब important thing, तीनों forces के magnitude same आए हैं, k q, क्योंकि charges सब same थे, तो ये आप देखोगे ये magnitude, ये मैग्नीट्यूड एंड दिस ऑल आर सेम, तीनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F3 का मैग्नीट्यूड, एंड लेट अस से इट इज इक्वल टू F। ऑल राइट, तो इस इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट F, तो अब मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में F1 is your F, जहां F की वैल्यू कितनी है, K नॉट Q अपॉन L अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर। ओके सो F अलोंग AO, F2 is F अलोंग BO, एंड F3 is F अलोंग CO। All right, so what will be the total force?
टोटल फोर्स विल बी गिवन बाय, टोटल फोर्स ऑन क्यू, टोटल फोर्स ऑन क्यू इट विल बी गिवन बाय एफ टू इनका वेक्टर सम। तो वेक्टर सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लूं F3 और F2 का रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लूं, और जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैं F1 से फाइंड आउट कर लूंगा। ओके, तो F2 प्लस F3 कितना है, तो F2 और F3 का रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये है F3 ये है F2, तो इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है, एफ टू और थ्री का रिजल्टेंट, तो लेट अस से इट इज गिवन बाय एफ टू थ्री, तो एफ टू प्लस एफ थ्री, सो एफ टू थ्री इज गिवन बाय एफ टू और एफ थ्री का वेक्टर सम, फाइनली उसको मैं एफ वन के साथ में ऐड कर दूंगा। ऑलराइट, तो एफ टू थ्री फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप क्लास 11th में वेक्टर सम के अंदर पढ़ चुके हो। तो रिजल्टेंट ऑफ एफ टू थ्री विल बी इक्वल टू एफ टू और एफ थ्री का मैग्नीट्यूड, F2 और F3 का मैग्नीट्यूड F के इक्वल है, तो यहां मैं लिख दूंगा F स्क्वायर प्लस Q, Q की जगह पे भी वापस F3 है, तो F3 का रिजल्टेंट भी क्या है F, F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F cos थीटा, थीटा है द एंगल बिटवीन दीज टू। अब इसको समझो ऐसे, ये है मेरा F3, ये है मेरा F2, इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना है, तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल होगा, तो ये पूरा जो एक सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है, सो ये एंगल कितना होगा 120 120 एंड 120, तो F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है 120, सो cos of 120 डिग्री। ओके, तो इसको सॉल्व करें हम, तो मैग्नीट्यूड क्या आता है, F23, द मैग्नीट्यूड ऑफ F23 विल बी इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इज 2F स्क्वायर, सो 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120, 2F स्क्वायर cos 120, cos 120 की वैल्यू होती है cos 90 प्लस 30, दैट इज sin माइनस sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो माइनस sin 30 की वैल्यू होगी माइनस 1/2, तो इधर मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू माइनस इनटू क्या जाएगा माइनस 1/2। ऑलराइट, सो 2f स्क्वायर कॉमन है तो √2f कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 1 - 1/2, तो फाइनली 1 - 1/2 इज हाफ, सो 1/√2 और ये √2 कैंसिल, फाइनली मेरे पास आ गया F, सो मैग्नीट्यूड ऑफ F23 इज व्हाट, अगेन वही आया जो F1 F2 और F3 का मैग्नीट्यूड था, यानी F आ गया मेरे पास। ओके, ये समझ लिया आपने, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, सो इन प्लेस ऑफ एफ वन आई एम राइटिंग एफ अलोंग एओ, एफ अलोंग एओ प्लस एफ इज व्हाट द मैग्नीट्यूड, एफ टू प्लस एफ थ्री का मैग्नीट्यूड जो एफ टू थ्री का जो मैग्नीट्यूड था वो होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टू थ्री एंड अलोंग व्हाट डायरेक्शन, along OA, पर अभी मैंने देखा था कि जो F23 था उसका मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल आया था, F के इक्वल आया था, तो मैं यहां लिख दूं F
along AO plus F along OA. तो जैसा कि मुझे मालूम पड़ रहा है OA ये डायरेक्शन में है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आया है वो उसकी डायरेक्शन ये है, और F1 वाला जो मैग्नीट्यूड है F उसकी डायरेक्शन ये है. तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो फाइनली मेरे पास में क्या आएगा, जीरो. सो द रिजल्टेंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन क्यू विल बी जीरो. सो दिस इज वन एप्लीकेशन इन विच यू कैन सॉल्व द यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ charge due to the presence of other charges. Thank you very much.